Hi, good evening to all of you. Today I have come here to announce a batch for history option of students for 2025. This year we are starting a bit early and the main reason is that so that you can revise it properly and eventually get a very good rank within your initial attempts. This year we are also going to make sure whatever are going to be the requirements of history from GS point of view, those are also covered in the class itself you will be getting extra tests you will be getting extra time with me and eventually this process is going to help you in becoming a topper itself from last few years many toppers have been produced by our institute and if you are going to follow what we are going to do in our classes you are also going to become one of them let us try to understand what this batch is all about but

अगर हम आगे की बात करें कि जब भी हम प्रिपेयर करते हैं हम ये भी सोचते हैं कि इस सब्जेक्ट का क्या जीएस के साथ में कोई रिलेशन है तो याद देखो हिस्ट्री का तो सबसे ज्यादा रिलेशनशिप है रिलेन्स में आपके पंद्रह से बीस क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं जीएस पेपर वन इंक्लूड हिस्ट्री एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ द क्वेश्चन ओके आई गोन्ट टू कम फ्रॉम देयर एंड इन सम इयर्स इवेंचुअली इवन मोर नंबर ऑफ मार्क्स विल बी कवर्ड फ्रॉम हिस्ट्री इट सोसाइटी के कुछ कुछ टॉपिक डायरेक्टली हिस्ट्री में कवर्ड हो जाते हैं जी एस पेपर टू येस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री उसके काफ़ी सारे एलिमेंट हिस्ट्री के पेपर से कवर हो जाते हैं पेपर थ्री में काफ़ी सारे आपके इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स लाइक लैंड रिफॉर्म पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी इट गेट कवर्स इन द ऑप्शनल इट सेल्फ एंड अदर दैन दिस एस ए और एथिक्स के भी काफ़ी सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो यहाँ पे कवर हो जाते हैं सो दोज ऑफ यू हुट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल थोड़ा सा समझ लो इस चीज को सो देट यू कैन ज्वाइन ऑन टाइम एंड इवेंचुअली हारनेस द ओवरऑल आउटकम एट ए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है विद स्टूडेंट इन जनरल ऑप्शन तो चलो ठीक है 4 4. Months, के साथ जब करना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत रेलगाड़ी की तरह बन जाती है सिचुएशन दे आर नॉट एबल टू यू यू कैन सर रिवाइज प्रॉपरली टाइम पर टेस्ट नहीं दे पाते तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं देट्स वाई वट वी थिंक दैट यू शुड स्टार्ट अर्ली वी आर ऑल्सो गोइंग टू पुट इवन मोर एफर्ट सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट फ्रॉम अस एंड इवेंचुअली गेट अ वेरी गुड रैंक तो प्रोसेस क्या रहने वाला है अभी जनवरी से लेकर मार्च तक यह हमारा फर्स्ट एक स्पेसिफिक आपका माइल्ड स्टोन है इसमें हम पेपर टू के ऊपर फोकस करेंगे मॉडर्न और वर्ल्ड समझना रिलेटिवली ज्यादा आसान होता है ईजिली हर किसी ने इसके बारे में जानकारी होती है और करंट अफेयर्स में भी इसके काफी सारे इवेंट्स चलते रहते हैं तो यू कैन टू फोकस ऑन दैट जो पेपर में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट प्रस में उसका रेलिवेंस है ऐसे कुछ एरियाज है जिनका जीएस मीन में रेलिवेंस ज्यादा है लेकिन ऑप्शनल में उतना नहीं है बट वट वी आर ट्राइंग टू डू दिसम अराउंड से उसको फोकस करके खत्म कर दें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जून में विल गो टू फोकस ऑन मैपिंग मैपिंग इज वन एरिया विच इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर आर ऑप्शनल और एंशियंट में इसमें से 50 नंबर का क्वेश्चन आता है एंड फाइनली फ्रॉम जून टू अगस्त वी गोइंग टू फिनिश ऑफ योर रिमेनिंग पार्ट विच इंक्लूड्स योर पेपर वन इसके बाद क्या करेंगे सेप्टेंबर ऑन गोइंग टू फोकस ऑन रिविजन यू आर ऑल्सो गोइंग टू इंश्योर कि आपकी जो स्किल्स हैं वो साथ में डेवलप हो जाए तो एक थोड़ा लंबा प्लान बनाया हमने ऑप्शन के लिए नॉर्मली स्टूडेंट्स डेडिकेट ओनली टू फोर पॉइंट बट वट वी आर थिंकिंग दिस टाइम अराउंड कि थोड़ा सा सेवन टू एट मंथ्स का टारगेट लेते हैं और अच्छे से प्रिपेयर करते हैं एंड वाई दिस इज गोइंग टू बी रेवोल्यूशनरी फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज यू डोंट हैव टू अटेंड द हिस्ट्री क्लासेस ऑफ एनी इंस्टीट्यूट फॉर द जी पार्ट क्योंकि सारा पार्ट कहां पे कवर हो जाएगा यहीं तो आपके वहां डेढ़ सौ घंटे की क्लासेस हम वैसे ही रिड्यूस कर देंगे अलोंग विद जब हम ऑप्शनल के लिए बा बात करते हैं तो देखो उसका एक फ्रेमवर्क है फ्रेमवर्क यही है कि में आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग क्लासेस होती फिर आपकी कोर क्लासेस होंगी जिसमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस होते हैं एंड गिवन द फाइनलाइज हैंड आउट्स उन हंड आउट्स को एक बार आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे यू आ नॉट गोइंग टू फेस एनी चैलेंज विद रिस्पेक्ट टू नोट मेकिंग एक्सेट्रा डेडिकेटेड रिविजन टाइम विल भी गिवन टू यू इन द शड्यूल इट सेल्फ सो दैट इट इज़ नॉट लाइक वी आर क्रिएटिंग अ प्रेशर सिचुएशन फॉर यू है ना प्रेशर में अननेसेसरी प्रेशर में जाने का कोई लॉजिक है नहीं कंटिन्यूस असेसमेंट होगा आपको बार बार टेस्ट मिलेंगे एट रेगुलर इंटरवल्स मोस्टली फोर्ट नाइटली टेस्ट विल भी गिवन टू यू सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल एंड इवेंचुअली आपके स्किल डेवलपमेंट हो जाए एंड फाइनली यू गोइंग टू गेट मेंटरशिप फ्रॉम मी एज वेल एज अदर फैकल्टीज फ्रॉम टाइम टू टाइम नॉट ओनली फॉर ऑप्शनल बट आल्सो फॉर जनरल स्टडीज सो दैट यू कैन गेट अ गुड रैंक दिस इज वट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन इट इज नॉट जस्ट अबाउट ऑप्शनल सो वी वॉन्ट टू हेल्प यू आउट इन ऑल मैनर्स पॉसिबल फ्रॉम आर साइड देन वाई आर वी फोकसिंग टू मच ऑन इंटीग्रेशन इसलिए फोकस कर रहे हैं सो so दैट आपका जीएस का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा है ना वो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो वहाँ का रिड्यूस हो जाएगा पूरा हंड्रेड परसेंट तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी है ना ओवरऑल कितना लगभग आपका सेशंस रहेगा अगर हम अगले छः सात महीने की बात करें मोर देन वन फिफ्टी सेशन विल बी दें नाइन्टी प्लस आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लासेस के ऊपर फोकस कराएंगे सारे पी वाई क्यू ऑल द पी वाई क्यूज ऑफ योर ऑप्शन विल बी कवर्ड इन द क्लास इट सेव टू गो फॉर एनीथिंग एल्स कोई आपको अलग से मॉडल आंसर वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है कोई भी अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है वैल्यूएड डॉक्यूमेंट मिलेंगे कि हाँ अगर कोई आपको बुक रेफर करने का मन करेगी देर आर सम स्टैंडर्ड बुक्स फॉर आर ऑप्शनल जिसकी हम ऑलरेडी लिस्ट आपको कई बार शेयर कर चुके हैं विल शेयर इट अगेन ऑल्सो सो हाउ यू हैव टू प्रिपेयर दैट है ना कौन सा पेज पढ़ना है कौन सा पेज अवॉइड करना है कैसी अप्रोच के साथ किसी बुक को पढ़ना है सो ऑल दो स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स विल बी गिवन टू यू फ्रॉम टाइम टू टाइम इवेल्युएशन टेस्ट आपके बहुत सारे रहेंगे ठीक है वेबिनार रहेंगे मेरे साथ में हैंड आउट्स तो मैंने आपको बता ही दिया ऐसे हैंड आउट्स जाएंगे जिसमें आपको बाद में खुद से नोट मेकिंग ना करनी पड़े अननेसेसरी चैलेंज ना हो आप लोगों के लिए एंड इन देंड यूसो है दिस सक्सेस so, is ऑलवेज गोइंग टू बिकम easy फॉर us. सो so, let us try टू अंडरस्टैंड इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करें साइमल्टेनियसली क्या आपको एक्स्ट्रा मिलेगा कि जीएस में आपको कोई दिक्कत ना है ना क्यों अगर आप जीएस की क्लासेस वहां पर ना करें आपके जीएस वाले किसी भी कोर्स में प्रिलिम्स के आपको अलग से ट्वेंटी लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विथ फोकस ऑन एनसीआर फॉर मेन स्पेसिफिकली आपकी अप्रोच जो है वो क्लासेस के साथ में मर्ज कर दी जाएगी एंड यू विल बी गिवन सर्टेन टेस्ट फॉर जीएस मेंस आल्सो फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू सो ऑल दोज बेनिफिट्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू ऑल ऑफ यू विल बी फॉर दिस बैच एंड व्हाई बिकॉज बाद में ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी अगर हम स्टार्ट करें तो आप सब लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे विदाउट टेंशन प्रिपेयर कर पाओगे एंड वेन एट अ लेटेस्ट स्टेज यू विल बी यिंग योर जी फाउंडेशन कोर्सेज दे विल बी वेरी लेस क्लैश ऑफ टाइम वेरी लेस क्लैश ऑफ ऑब्जेक्टिव कि किसको पढ़ें किसको रिवाइज करें ऑल दोज चैलेंजेस विल मेल्ट अवे एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक एंड वी वी हैव प्लानिंग दिस वेरी अर्ली दिस ईयर सो दैट नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू फेस द एग्जाम एंड दैट टू विद ए बिग स्माइल ऑन यूर फेस एंड दिस इज एग्जैक्टली वट यू शुड डू बिकॉज फ्रॉम एक्सपीरियंस वट आई हेव लर्न इज कि अगर टॉपर बनना है इन लोगों की तरह ठीक है तो सही तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी और टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल आता है इस चीज़ में ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स से एक महीना पहले बैठ के आप ऑप्शन पढ़ोगे नहीं ना उससे कुछ फायदा नहीं होगा प्रीलिम्स पास नहीं होगा तो सही टाइम पे स्टार्ट करो इफ योर टारगेट इज इज द टाइम डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक बाद में सिविल सर्वेंट प्रायोरिटी क्लियर कर लो इन सब लोगों की प्रायोरिटी क्लियर थी एंड देट्स वाई देवर एबल टू गेट अ रैंक

सो so दैट किसी को भी कोई दिक्कत ना आए कोई भी एक्स्ट्रा टाइम ना लगे जी एस की हिस्ट्री करने के लिए उसके लिए बार बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ऑप्शनल तो कर लिया जी एस के लिए कुछ एक्स्ट्रा करें क्या कुछ अभी नहीं करना है ऑप्शनल के लिए भी शांति से हैंड आउट करने क्लासेज फॉलो करनी पी वाई क्यू क्लास में सॉल्व करने दैट्स एट दैट्स हाउ इजी इट हैज बिकम फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट्स सो दो ऑफ यू हुट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स बिकम अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी

Okay, so all the very best. Whatever doubts you have, you can just dial on these numbers. Counselors are going to talk to you, they're going to help you out. Okay. I'm going to take many sessions with respect to this. So be doubt to in the future I can take your doubts in the session itself. Alright. So all the very best and take care. स्टार्ट एट दिस टाइम है ना कि न्यू ईयर जैसे स्टार्ट हुआ है अब पार्टी थोड़ी कम कर देनी है और पार्टी से स्विच करना है पढ़ाई की तरफ आई ऑल्सो अंडरस्टैंड मैन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग जस्ट आफ्टर द कॉलेज तो शुरुआत का जो इनिशियल एक दो महीना होता है ना बहुत ऐसा लथर्जिक वाला फीलिंग आता है थोड़ा सा डर भी लगता है कि ये प्रिपेयर हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो कॉम्पिटिशन इज रिलेटिवली हायर इन कंपेर टू अदर एग्जाम्स बट इफ यू प्रिपेयर स्ट्रेटिजिकली लेट मी मेक इट वेरी क्लियर इट फॉर यू दैट यू कैन डू इट एंड देट टू विदेरी स्प्लेंडेड रैंक जो टॉप टेन टॉप ट्वेंटी की रैंक आ सकती है बट फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट अर्ली ऑल दोज हुट वेरी गुड रैंक दे स्टार्ट अर्ली एंड दिस इज वन थिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन डिसाइडिंग योर सक्सेस बिकॉज लेट स्टार्ट करके इनिशियल अटैम्प्ट वैसे ही खराब हो जाता है एंड डोंट फॉलो दिस अप्रोच प्लीज लिसन टू मी केयरफुली ऑल राइट सो ऑल द वेरी बेस्ट टेक केयर एंड आई सी यू इन द क्लासेस